बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटा, यकीनन आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 2.1 ग्लोरी एंड होप, उसका 2.2 एक्सरसाइज है लैंग्वेज स्टडी और इसका पेज नंबर 61-63 है बुक का। आज हमने पढ़ना है रिलेटिव प्रोनाउन का, द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल। एक जनरल रूल के तौर पर देखा जाए तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सिर्फ पर्संस के लिए, जो रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है ये सिर्फ पर्संस के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिंगुलर या प्लूरल नाउन का हवाला भी दे सकता है, उनकी तरफ भी इशारा कर सकता है। द मैन, जैसे मैन जो है सिंगुलर नाउन है जी, ठीक है, तो उसकी बात हु से मुराद है मैन, ठीक है, तो मैन क्या सिंगुलर नाउन, उसकी तरफ द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, ठीक है जी, तो मैन की बात कर रहे हो, ठीक है। ब्लेस्ड इज ही हु हैज फाउंड हिज वर्क, ठीक है, यहाँ पे भी हु जो है वो उसकी तरफ सिंगुलर पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं। He prayed best, we loved best. यहाँ भी हु जो है ये सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहे हैं। He who hesitates is lost. वो यहाँ भी सिंगुलर की तरफ इशारा कर रही की तरफ, ठीक है। They never fail who die in a great cause. अब यहाँ पे उसने बोला सिंगुलर और प्लूरल नाउन, ठीक है जी, तो दे से मराद पर्सन ही है ना, ठीक है, तो दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज। अब हु जो है ये दे की तरफ, बॉक्सों की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर यहाँ पे दे जो है ये हु जो है फिर दे आर स्लेव्स हु डेयर नॉट बी, ठीक है, तो स्लेव्स प्लूरल नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं जी, उसकी तरफ रेफर बैक कर रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में हु के बारे में मजीद कहता है कि हु इज समटाइम्स यूज्ड इन रेफरिंग टू एनिमल्स, एनिमल्स की तरफ का हवाला देने के लिए भी हु का इस्तेमाल किया जाता है जी, ठीक है। हुज जेनेटिव फॉर्म और पोजेसिव फॉर्म ऑफ हु, क्या है जी, हुज क्या है, पोजेसिव फॉर्म है हु की, जिसका हम कहते हैं कि ताल्लुक या कब्जा जाहिर करता है लोगों के बारे में बात करने के लिए या कभी कभार थिंग्स के बारे में जिनमें कोई लाइफ नहीं होती, लाइफलेस थिंग्स जो होती है उनके बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द सन हूज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ, अब सन जो है ये लाइफलेस है उसकी तरफ ये इशारा करता है, उसका हवाला देते हैं, उससे मुराद सन, द होल फ्रेज, ठीक है, वाज रिगार्डेड बाय द एंशिएंट एज गॉड, ठीक है जी। दिस इज द क्वेश्चन हूज सॉल्यूशन हैज बैफल्ड फिलोसफर्स ऑफ ऑल एजेस, ठीक है, तो हु से मुराद क्वेश्चन है, ठीक है। इस यहां पे मोर प्रॉपरली अगर हम इसको स्टडी करें मजीद मुनासिब तौर पे, तो दिस इज द क्वेश्चन द सॉल्यूशन ऑफ विच हैज बैफल्ड फिलोसफर्स ऑफ ऑल एजेस, तो अगर मजीद प्रॉपरली लिखना चाहिए तो इसकी जगह हम विच इस्तेमाल कर लें तो बड़ी आसानी से समझ आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहता है कि विच कहाँ पे इस्तेमाल होता है, विच इज यूज्ड, अच्छा यहाँ पे यूज्ड लिखना चाहिए था, मैंने यूज्ड यू एस ए डी, विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, अच्छा लाइफलेस थिंग्स के लिए विच का इस्तेमाल किया जाता है जी, ये जो विच है इसका इस्तेमाल लाइफलेस थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दोनों का हवाला देता है, दोनों की तरफ इशारा करता है।
the moment, life moment जो है ये lifeless है, which is lost is last forever, ठीक है? इसकी तरफ ये refer back करता है, books lifeless है, उनकी बात, उनके लिए बीच का इस्तेमाल हुआ है, horse, एक है, आप ये कहते हैं कि living है, ठीक है? animals में आ गए ना, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये कहता है कि which was formerly used to refer to persons, पहले पहले ऐसा होता था कि विच को लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, आवर फादर विच आर्ट इन हेवन, अब ये पुरानी आर बनते हैं, आर्ट लिखा हुआ है, पुरानी इंग्लिश में आर्ट बोला जाता था आर की जगह पर, ठीक है? अब फादर के लिए विच का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये जो पुरानी इंग्लिश है उसमें इस्तेमाल होता है, विच में ऑल्सो रेफर टू सेंटेंसेज एज, और ये सेंटेंसेस की का हवाला देने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके लिए भी, जैसा कि ये है, ठीक है? The man who was drunk said to be, the man was said to be drunk, ठीक है? Which was not the case, अब which से मुराद ये कर इस पूरे सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जो कि असल बात नहीं थी, ठीक है? तो जो से मुराद ये कि the man was said to be drunk, इसकी बात जो ये जो विच है ये इसकी बात कर रहा है। He said he saw me there, which was a lie. अच्छा, he saw me there जो है ये पूरी बात है, इसकी तरफ पूरा सेंटेंस इसकी तरफ ये विच इशारा कर रहा है, उसकी तरफ बात कर रहा है, उसकी हवाला दे रहा है, ठीक है? तो पूरे पूरे सेंटेंसेस की तरफ रेफर करने के लिए भी विच का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट हम इसको स्टडी करते हैं, ही इज हियर विच इज फॉर्चुनेट, ही इज हियर पूरा एक सेंटेंस है, इसकी तरफ रेफर बैक करने के लिए विच का इस्तेमाल किया, सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है, पर्सन के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है? और पुराने दौर में जो पर्सन होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ पर लाइफलेस थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें यूज होता है। अब नोट करने वाली बात यह है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच है उनको किस अंदाज से इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे उनको इस्तेमाल करते हैं या किन किन मौकों पर इस्तेमाल करते हैं या क्या उनकी एप्लीकेशन क्या है जी, ठीक है? तो कैन बी यूज टू, इन दोनों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लिमिट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, वाजह तौर पर एंटीसीडेंट को डिफाइन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच को। एंटीसीडेंट क्या होता है, जो विच और हु से पहले आता है, ठीक है? जिसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ये, ठीक है? दैट इज वेयर द क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउन इज अ रिस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग क्लॉज, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन जिस क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराता है वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है या डिफाइनिंग क्लॉज होता है। इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है? या प्रिंसिपल क्लॉज भी, रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। जरा इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, द मैन, अब ये मैन जो ये एंटीसीडेंट है, वो से पहले आ रहा है, मैंने कहा उस वो से पहले जो आता है वो एंटीसीडेंट होता है। द मैन हु had cheated me was yesterday arrested by the police. अब who जो है ये एक restrictive clause को introduce करा रहा है, और restricted clause क्या है, the man, ठीक है? और ये यहां से शुरू होता है, was yesterday arrested by the police. ये independent clause है, और who had cheated me ये dependent clause बनता है, क्लियर जी? और ये जो हु उसने कहा कि ये रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस्तेमाल होता है, यहां पे द मैन वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, इसको ये हु जो है ये इंट्रोड्यूस करा रहा है। द बुक विच यू सी ऑन द टेबल कॉस्ट मी 2 रुपीज, द बुक जो है ये बुक जो है एंटीसीडेंट है, और ये पूरा क्लास जो इंडिपेंडेंट क्लास ये बनता है, द बुक कास्ट मी 2 रुपीज, इधर से यहां से शुरू करेंगे,
विच यू सी ऑन द टेबल, ये डिपेंडेंट क्लॉज, समझ आई ना। अब आगे चलते हैं जी, टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीसिडेंट। एंटीसिडेंट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए भी विच और हु का इस्तेमाल होता है, या हु या विच का इस्तेमाल होता है। दैट इज वेयर द क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन इज कंटिन्यूएटिव नॉन डिफाइनिंग। जहां रिलेटिव प्रोनाउन जिस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करा रहा होता है वो कंटिन्यूटिव नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होता है, ठीक है, वहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट क्लॉज, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। द टीचर सेंट फॉर द बॉय, जब द टीचर सेंट फॉर द बॉय जो है ये क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। इसका जो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और ये आगे जो है ये इसका इसके पीछे जो है इसका एंटीसिडेंट है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिव प्रोनाउन किस चीज की दे रहे, केम एट वंस, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे, हु केम एट वंस, ठीक है। तो ये वो बात इधर कहना चाहते हैं, टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीसिडेंट, बॉय के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है, केम इट वंस, जल्द ही आ गया, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसिडेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसको हम वेयर द क्लॉज इंट्रोड्यूस बाय रिलेटिव प्रोनाउन इज अ कंटिन्यूटी नॉन डिफाइनिंग, तो जो आगे मजीद जो इंट्रोड्यूस कराता है क्लॉज वो कंटिन्यूटिव नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है जी। आई गेव हिम रुपी, रुपी क्या है, एंटीसिडेंट है, विच वॉज ऑल आई हैड विद मी। अब विच वॉज ऑल आई हैड विद मी जो है ये विच जो है ये इसका एंटीसिडेंट है रुपी, ठीक है। तो जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज इंट्रोड्यूस करा रहा है, विच वॉज ऑल आई हैड विद मी, ये नॉन डिफाइनिंग, ठीक है जी, कंटिन्यूएटिव नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, ठीक है। अच्छा कहता है कि नोट करें कि दैट नॉन डिफाइनिंग क्लॉज आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज बाय कॉमास, कि जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस होते हैं जिन्हें हम डिपेंडेंट क्लॉजेस भी कहते हैं, जिन्हें हम सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजेस भी कहते हैं, उनको मेन क्लॉज से कॉमा के जरिए अलग किया जाता है। माय ब्रदर हु इज अ डॉक्टर has gone to America, ये एक without commas के पढ़ने का एक अलग मीनिंग बनता है कि मेरा वो भाई जो डॉक्टर है अमेरिका जा चुका है, ठीक है, इसके मीनिंग और है विदाउट कॉमास के। और इसमें नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कौन सा जी, ये वाला who is a doctor, dependent clause, जो के डॉक्टर है। डिपेंडेंट क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है कि जो अपनी फुल मीनिंग नहीं देता। अब मैं अगर सिर्फ ये लिख दूं कि हु इज अ डॉक्टर, जो के डॉक्टर है, तो आप कहेंगे भाई व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब एक और नीचे सेंटेंस है, इसमें कॉमास के लिए इसको अलग किया गया, माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू अमेरिका, मेरा भाई जो डॉक्टर है अमेरिका जा चुका है, ठीक है जी। तो कहता है कि द फर्स्ट सेंटेंस इंप्लाइज दैट द स्पीकर हैज सेवरल ब्रदर्स, पहले सेंटेंस को बगैर कॉमास के पढ़े तो इसका मतलब यह है कि मेरा वो भाई जो डॉक्टर है वो अमेरिका जा चुका है, मतलब ये कि मेरे और भी भाई हो सकते, लेकिन यहां पॉज के साथ अगर हम पढ़े इसको सेकंड सेंटेंस में, ठीक है, तो ऊपर वाले से मुराद तो ये कि स्पीकर के बेशुमार भाई हैं,
लेकिन अगर पॉज के साथ कामा के साथ पढ़ी, इसमें वो कहता है कि डिस्टिंग्विशेस अ पर्टिकुलर वन ऑफ देम, उनमें से किसी किसी एक खास की को अलग करता है जी, ठीक है, हु इज अ डॉक्टर वाला क्लॉज जो है, ठीक है, उन भाइयों में से किसी एक खास को अलग करता है। सेकंड में वो कहते हैं द क्लॉज डज नॉट डिफाइन एंड द इम्प्लीकेशन इज दैट द स्पीकर हैज ओनली वन ब्रदर, ठीक है। सेकंड में क्या कहता है कि क्लॉज जो है वो डिफाइन नहीं करता, ठीक है, और इसका इम्प्लीकेशन, इसका मतलब ये नतीजा ये निकलता है कि स्पीकर का सिर्फ एक ही भाई है, माई ब्रदर, मैंने पास दे दिया, माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू अमेरिका, मेरा भाई जो डॉक्टर है अमेरिका जा चुका है, ठीक है। पॉज के साथ पढ़े तो पता चलता है, आइडिया हो जाता है कि मेरा वो भाई एक ही है कि जो डॉक्टर है और वो अमेरिका जा चुका है, ठीक है। तो पॉज के साथ पढ़े तो पता चलता है कि मेरा वो भाई जो डॉक्टर है वो अमेरिका जा चुका है, ठीक है। अब दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग्स, पर्सन एंड थिंग्स, थिंग्स और पर्सन के लिए दैट का इस्तेमाल होता है। फिर ये कहता है कि दैट, अब दैट एंड द प्रोनाउन है, हु और विच को तो हम डिस्कस कर चुके, अब दैट को डिस्कस करना है। पर्सन के लिए यूज होता है पहली बात, थिंग्स के लिए यूज होता है, और फिर ये सिंगुलर या प्लूरल नाउन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इसका कोई जेनेटिव, कोई पोजेसिव केस नहीं होता, ठीक है। एंड पहली बात ये पर्सनल थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरी बात ये सिंगुलर प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, तीसरी बात ये कि इसका जेनेटिव केस, पोजेसिव केस नहीं होता, और चौथी बात इस दैट के बारे में बता रहा है, इट इज नेवर यूज्ड विद प्रेपोजिशन, विद अ प्रेपोजिशन प्रीसीडिंग, और कभी भी अपने से पहले आने वाली प्रेपोजिशन के साथ नहीं इस्तेमाल होता। चार बातें दैट के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हमें पता चली, पर्सनल थिंग्स के साथ इस्तेमाल होता है, सिंगुलर प्लूरल की बात करता है, पोजेसिव केस कोई नहीं होता, कभी भी अपने से आने पहले आने वाली प्रपोजिशन के साथ इस्तेमाल नहीं, ये निशानियां आपके जहन में रखनी है, और फिर इन सेंटेंसेस पे आपने गौर करना है। दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, अब दैट रेफर बैक करता है बॉय की तरफ, इसका जो एंटीसिडेंट है ये बॉय है, सिंगुलर है, ठीक है, पर्सन है, पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इससे पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आ रही, सारी बातें पूरी हो रही है ना, और पोजेसिव के केस के तौर पर भी नहीं यूज हो रहा, ठीक है। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, अब दैट से मुराद ये कि हाउस, ठीक है, आप ये कह दें कि थिंग है, हाउस थिंग में आता है, ठीक है, इससे पहले प्रपोजिशन नहीं आ रही, इसका कोई जेनेटिव केस नहीं है, ठीक है। अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, दैट इस्तेमाल हो रहा हेड के लिए, हेड लिविंग है, लिविंग में आ जाता है, ठीक है, पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह थ्राइस इज द हिज ही हार्म आर्म्ड दैट हैथ हिज कॉल जस्ट, ठीक है। अब दैट यहां पर आर्म्ड के लिए इस्तेमाल होता है, आर्म्ड, ठीक है, आर्म्ड का मतलब असला, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए। अ सिटी दैट इज सेट ऑन अ हिल कैन नॉट बी हिडन, यहां पे जो दैट है ये सिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है जी, नॉन लिविंग के लिए, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहां पे दैट जो है, ही दैट इज नॉट विद मी इज अगेंस्ट मी, अब ही जो है पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हैप्पी इज द मैन, मैन जो है ये पर्सन है और सिंगुलर है। दैट पॉइंट विजडम, ही दैट इज स्लो टू एंगर इज बेटर देन द माइटी, अब ही जो है ये यहाँ पे जो दैट है ये रेफर बैक कर रहा है ही की तरफ, जो कि एक पर्सन है, ठीक है, और सिंगुलर भी है। यही था ना, द क्राउड that gathered cheered him
टू द एक करोड़। अब करोड़ एक थिंग का नाम है, ठीक है जी, उसमें आ जाते हैं नॉन लिविंग में, ठीक है ये, ठीक है जी, और दैट जो है ये उसमें आ गया, दैट सिंगुलर करोड़ के लिए जी, कलेक्टिव नाउन के लिए इस्तेमाल हो गया जी, ठीक है, और सिंगुलर भी है। हु दैट हैज मेट हिम कैन एस्केप हिज इन्फ्लुएंस, who that has met him can escape his influence। अब who that has met him can escape his influence में that जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ जी, who के लिए, ठीक है, और who भी जो है वो आप ये कह दे कि लिविंग थिंग्स के लिए, पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है और सिंगुलर भी है। ऑल दैट, ये ऑल जो है थिंग्स के बारे में थिंग है, ठीक है, और ठीक है जी, सिंगुलर है, ये प्लूरल में आ गया, ठीक है। ही वाज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड। अब स्पीकर जो है पर्सन में आता है और सिंगुलर भी है। मैंने ऊपर बताया था कि चार चीजों के लिए दैट का इस्तेमाल होता है, पर्सन और थिंग्स के लिए, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, कोई पोजीशन केस नहीं होता, इससे पहले प्रपोजिशन नहीं आती, ये दोनों चीजें तो अंडरस्टूड सी बात है, ये बिल्कुल आई भी नहीं है यूज में। इट विल बी नोटिस्ड दैट द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड ओनली इन डिफाइनिंग क्लॉजेस। और ये भी जरा हमारे मुशाहदे में बात आएगी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है ये डिफाइनिंग क्लॉजेस में आता है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में आता है, प्रिंसिपल क्लॉजेस में आता है, क्लॉजेस दैट रेस्ट्रिक्ट लिमिट डिफाइन एंड द एंटीसिडेंट। जो एंटीसिडेंट को अपने से इससे पहले आने वाले किसी नाउन को या प्रोनाउन को लिमिट करते हैं, डिफाइन करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसके मीनिंग को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उनके लिए दैट का इस्तेमाल होता है। दैट मे बी यूज एज एन एडवर्बियल एक्यूजेटिव। एडवर्ब की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एडवर्ब किसकी बात करता है जी, एडवर्ब किसकी बात करता है, एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब व्हाई, व्हेन और वेयर जैसे क्वेश्चन को डिस्कस करता है। एक्यूजेटिव से मुराद, एक्यूजेटिव केस कौन सा केस होता है, एक्यूजेटिव केस होता है जी ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस होता है एक्यूजेटिव केस, ठीक है जी, जैसे ऑन विच, इन विच, एट विच, एज। अब ऑन विच मौके की बात है, टाइम की बात हो रही है, इन विच जगह की बात हो रही है, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास आई रिमेम्बर द डे दैट ही केम, आई रिमेम्बर द डे दैट ही केम, मुझे वो दिन याद है कि जब वो आया जी, ठीक है। अब दैट ही केम जो है ये, आई रिमेम्बर द डे दैट ही केम, मुझे वो दिन याद है कि जब वो आया जी। एडवर्बियल एक्यूजेटिव, ठीक है, ये टाइम की बात कर, डे से मुराद टाइम, ठीक है, ऑन दैट डे उस तरह हो जाएगा ये, ठीक है, आई रिमेम्बर द डे दैट, ठीक है, तो आगे डे जो है ये टाइम की बात कर रहा है, व्हेन की बात कर रहा है, तो ये तो हो गया एडवर्बियल, ठीक है, तो एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव के तौर पे काम करता है जी, एंड में ये आ रहा है, इस वजह से ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं जी, On the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. उस दिन, on the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. अब यहाँ पे जो that है वो भी डे की तरफ, ये जो एडवर्बियल में आ जाता है क्योंकि वेन की बात कर रहा है, ठीक है,
और दैट वे ये वही आ गया जी, उसमें आप ये कह दें कि एक्यूजेटिव में आ गया, ऑब्जेक्टिव में आ गया, ठीक है। कहता है क्योंकि रिलेटिव एज अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैज अ रेस्ट्रिक्टिव फोर्स, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन की एक रेस्ट्रिक्टिव फोर्स है, रेस्ट्रिक्ट करता है किसी चीज को, ठीक है। इसको ये कभी कभार जो है ये आप ये कह दें कि ये कभी कभार जो है वो अनसुटेबल हो जाता है, गैर मुनासिब हो जाता है, as the substitute for who or which, thus I cannot say, कहता है कि इस तरह मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि relative pronoun that की एक restrictive force है, तो ये कभी कभार मुनासिब नहीं होता उस who या which के लिए के लिए मुतबादल तो के तौर पर जो है वो मुनासिब नहीं है। अगर मुतबादल के तौर पर हो या बीच के मुतबादल के तौर पर इस दैट को इस्तेमाल किया जाए तो ये मुनासिब नहीं लगता। चनाचे मैं ये नहीं कह सकता कि माय फादर हु इज अ स्कूल मास्टर इज 50 इयर्स ओल्ड, ठीक है, कि मेरा बाप जो कि स्कूल टीचर है, स्कूल मास्टर है, वो 50 साल का है, ठीक है। यहां पर हमने देखना है, एक मिनट, हु इज अ स्कूल मास्टर, माय फादर दैट इज अ स्कूल मास्टर इज 50 इयर्स ओल्ड, ठीक है। ये असल में तो ये सेंटेंस ये था कि माय फादर दैट इज अ स्कूल मास्टर, ऊपर ये सेंटेंस जो है वो मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये असल में सेंटेंस ये बनता था कि माय फादर दैट इज अ स्कूल मास्टर इज 50 years old, तो that father के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है, बल्कि यूं होना चाहिए कि my father who is a schoolmaster, my father who is a schoolmaster is 50 years old, मेरा बाप जो कि यहाँ पे यू इस्तेमाल होना चाहिए, उसकी जगह पे that इस्तेमाल नहीं हो सकता ऊपर That का उसने सेंटेंस लिखा था, ठीक है। बट कहता है कि इफ आई हैपन टू हैव मोर देन वन सिस्टर आई कैन से, अगर लेकिन मेरी एक से ज्यादा अगर सिस्टर्स हैं तो फिर मैं कह सकता हूं कि माय सिस्टर दैट हैज बीन अडॉप्टेड बाय माय अंकल इज इल, मेरी वो बहन जिसको मेरे अंकल ने अडॉप्ट किया है वो बीमार है जी, ठीक है जी। ये इस्तेमाल हो सकता है कि मेरी वो बहन जिसको मेरे अंकल ने अडॉप्ट किए, ठीक है, वो बीमार है, इसके लिए अब दो हैं तो फिर उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर अकेला है तो जैसे बाप की बात आई है तो उसके लिए दैट का इस्तेमाल नहीं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज नहीं होगा। आगे नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी रिलेटिव प्रोनाउन, relative pronoun that is used in preference to who or which, who or which के हवाले से जो relative pronoun that है वो उसकी आप ये कह दें कि उसकी तरजीह के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है, ठीक। लेकिन इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे ये क्या है, आगे नेक्स्ट टॉपिक उसने छेड़ा है और हमारे पास जगह भी टाइम भी जरा कम होता है, ठीक है, इतनी लंबी वीडियो बन नहीं सकती।